नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंगोली किचन में। और आज रंगोली किचन में बहुत ही खास रेसिपी बनने वाली है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, वो है मीठी बूंदी। तो मीठी बूंदी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगी बनाना, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले इस तरह की खास रेसिपी को जानने का और बनाकर खाने का। तो सोचिए मत, फटाफट शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है इस खास रेसिपी को। तो बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार मीठी बूंदी, एकदम गोल गोल मोती के दाने जैसे। तो इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करें उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए रंगोली किचन को और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके ऐसे ही मजेदार रेसिपी की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो एक कटोरी मैंने बेसन लिया है और इस बेसन का घोल बनाना है सबसे पहले। तो इसके लिए हम बोल लेंगे और इस बोल के अंदर बेसन का बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, एक कटोरी बेसन गया बोल के अंदर, और साथ ही साथ डालने वाले हैं इसमें बहुत थोड़ा सा फूड कलर, जो बहुत बढ़िया पीला रंग देने वाला है बूंदी को। तो बस थोड़ा सा फूड कलर, और साथ में डालेंगे एक चम्मच घी। तो बस इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और लीजिए, मिक्स हो चुका है। तो चलिए डालते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, और बस एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते जाना है और मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि एक बार अगर पानी डाल दिया ना तो पतला भी हो सकता है घोल, जो नहीं चाहिए हमें। तो बस बहुत अच्छे से यहाँ पर फेंटना है इसको, गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे इसका ध्यान रखना है। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। और घोल हमें ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना ही ज़्यादा पतला। तो बस थोड़ा सा पानी और डालते हैं और फिर से फेंटेंगे। तो अभी अपना घोल थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा पानी और जाएगा। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और। तो पूरा एक कप पानी मैंने डाल दिया है इसके अंदर, एक कटोरी बेसन में एक कप पानी डाला है। और बस बहुत अच्छे से फेंट दिया है इसको, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा। तो बिल्कुल इतना सा डालना है जितना हमने फूड कलर डाला था ना, उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बूंदी अपना ख़राब हो जाएगा, फैलने लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, एक चुटकी भर डालना है इसके अंदर। और लीजिए, फेंट दिया है और कंसिस्टेंसी आप देखिए कुछ इस तरह की है। तो बूंदी के लिए घोल तो हमने तैयार कर लिया है, और अब बनानी है इसके लिए बढ़िया सी चाशनी। तो चलिए इसको रेस्ट पे छोड़ते हैं ढककर, तो ढक देते हैं और चलिए तैयारी करते हैं चाशनी की। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये पैन, और गैस को ऑन कर देते हैं। तो लीजिए, गैस को कर दिया ऑन, और इसके अंदर डालते हैं एक कटोरी चीनी। तो चीनी गया पैन के अंदर, और साथ में डालेंगे एक कटोरी पानी। तो जितना हमने चीनी लिया है उतना ही पानी लिया है। तो बस एक बार चला देना है चाशनी को, और बढ़िया सा उबाल आने देते हैं इसमें। उससे पहले डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर, इससे बहुत ही अच्छा रंग आने वाला है अपना बूंदी में। तो बस एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं इसके अंदर, और जैसे ही उबाल आता है इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे मीडियम आंच पर। तो बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले ये बूंदी ज़रूर बनाइएगा आप अपने किचन में, बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है इसके अंदर, और बस यहाँ पर हम चेक करेंगे इसको इस तरह से। तो बस चिपचिपा सा चाशनी चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए इस बूंदी में। तो बहुत अच्छी सी चाशनी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देते हैं और देख लेते हैं बेसन के घोल को। तो काफ़ी अच्छे से
सेट हो चुका है अपना बेसन भी, तो बस थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे। और कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गैस के ऊपर, तो तेल अपना बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम बूंदी बनाएंगे झारे से, जिसे हम पूरियां तलते हैं। तो बस झारा को इस तरह से एक जगह पर रखना है और इसके ऊपर बेसन के घोल को डालते जाना है कुछ इस तरह से। और आप देख पा रहे हैं कि बहुत गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हम बेसन के घोल को डालते जाएंगे, जितना आपके कढ़ाई में तेल है उसी के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर बूंदी ख़राब हो जाएगी अपनी। तो लीजिए, हमारे कढ़ाई में तो बस इतना ही आएगा, तो बस एक बार इसको चला देंगे। तो कुछ इस तरह का छन्ना इस्तेमाल करना है बूंदी बनाने वक्त, क्योंकि जब आप बूंदी बाहर निकालेंगे ना तो सारा तेल कढ़ाई के अंदर ही रहेगा। तो कुछ इस तरह का ही छन्ना इस्तेमाल कीजिएगा। तो बूंदी अपना तैयार है, चलिए निकाल लेते हैं। तो बहुत बढ़िया कलर भी आया है बूंदी का, और इसका तेल कुछ इस तरह से निकाल देंगे। और चलिए डालते हैं एक प्लेट के अंदर। तो काफ़ी गोल गोल अपना बूंदी बनकर तैयार है। तो है ना बहुत आसान इसे बनाना, तो ज़रूर बनाइएगा अपने किचन में। तो बस सारा निकाल लिया मैंने तेल से बूंदी को, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बूंदी बनकर तैयार हुआ है। और जब भी बूंदी बनाए ना, तेल को पहले अच्छे से गरम कर लें, घी या तेल जिसमें भी बना रहे हैं बहुत अच्छे से गरम कर लें, उसके बाद आंच को मीडियम कर दें। तो चलिए डाल लेते हैं चाशनी के अंदर और थोड़ा सा इसको अच्छे से हिला देते हैं ताकि चाशनी बूंदी के अंदर चला जाए। और अब फिर से सेम प्रोसेस, बस एक जगह रखना है झारे को और घोल को डालते जाना है। और लीजिए, काफ़ी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार है। तो बस थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए थोड़ा सा। तो लीजिए, तैयार है अपना बूंदी, तो इसे भी निकाल लेते हैं। और लीजिए, निकाल लिया है, तो इसे भी डालेंगे प्लेट के अंदर। और चलिए डालते हैं इसको भी चाशनी में। तो बस इस बूंदी को भी डाला चाशनी के अंदर और थोड़ा सा किया मिक्स, और ये देखिए अपना बूंदी बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा करते हैं इसको मिक्स, और अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि चाशनी बहुत अच्छे से बूंदी के अंदर चला जाए और काफ़ी जूसी बूंदी बनकर तैयार हो अपना। तो बस ढक देते हैं और मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो चुका है और देख लेते हैं बूंदी को। तो बहुत ही बढ़िया बूंदी बनकर तैयार हुआ है। एक बार करते हैं इसको मिक्स। तो लीजिए, मिक्स भी कर दिया। और अब ले लेते हैं एक बोल और इसके ऊपर डालते हैं एक छन्ना, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है ना वो हमें निकाल देना है। तो बस बूंदी को इसके ऊपर डालेंगे। तो काफ़ी गोल गोल है ना बूंदी, बहुत ही मज़ेदार बूंदी बनकर तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से सारे बूंदी को डाल देना है छन्ने के ऊपर। तो बस सारा बूंदी गया छन्ने के ऊपर और काफ़ी सारा चाशनी निकल आया है बूंदी से। तो काफ़ी सूखा सूखा सा बनने वाला है अपना बूंदी, अंदर से जूसी और बाहर से बिल्कुल ड्राई। तो बस चलिए करते हैं इसको सर्व। तो सर्व करने के लिए मैंने लिया है ये बोल और इसके अंदर हम डालेंगे बूंदी को। तो बस तैयार है अपना बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम मोती के दाने जैसे गर्मा गर्म बूंदी, मीठी बूंदी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, ये तो आपने देखा ही। तो आप भी इस बसंत पंचमी ज़रूर बनाइए इस मीठी बूंदी को। और मैंने पिछले साल बसंत पंचमी पर केसरिया चावल की रेसिपी डाली हुई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ज़रूर जाकर देखिएगा। और
इस मीठी बूंदी को आप जरूर बनाइए अपने किचन में। बहुत ही आसानी के साथ बनता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, जैसा कि आपने देखा बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनकर तैयार हो जाता है। तो बस सारी चीज़ें हैं आपके किचन में, तो क्यों ना बनाएं बसंत पंचमी पर मीठी बूंदी। तो बस इस मीठी बूंदी को बनाकर भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद का आनंद लीजिए और साथ में मीठा मीठा कमेंट भी कर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।